नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। यूपी इलेक्शन को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने और निर्दलीय प्रत्याशियों ने आज अपनी अपनी विधानसभाओं से दांव खेला है, नामांकन पत्र दाखिल किया, जहाँ करौली नगर विधानसभा से हमारे साथ मेरा नाम राम बदन सिंह है। मैं सरोजी नगर 170 विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी। क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे? चुनावी मुद्दा हमारा यही है, जातिगत आरक्षण को समाप्त करना, SC/ST एक्ट को समाप्त करना, जिसके नाहक लोगों के लगा और नेता अपने जो है सरोजी नगर विधानसभा की बड़ी समस्या है, वो क्या है, उसके लिए क्या करेगा? सबसे पहले जो समस्या है, आज तक किसी ने कुछ नहीं कराया, जिसे रोड संबंधी है, पानी की निकासी, जल निकासी वगैरह है, विद्यालय है जो जर्जर हुए हैं, सबसे ये मुद्दा पहला मेरा रहेगा, इनको दुरुस्त करना। उम्मीद है जनता का साथ मिलेगा? बिल्कुल, पूरा बहुमत है राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी। तो ये तो हमारे साथ प्रत्याशी राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, इनका कहना है कि अगर सत्ता में पार्टी आती है या ये अपनी विधानसभा से विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं सदन में आरक्षण के मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। सहयोगी भरत के साथ।